नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 50 जिला 50 खबर। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर आ रही है राजनीतिक गलियारे से जुड़ी। बीएसपी के साथ और प्रत्याशी घोषित किए गए। बसपा के साथ प्रत्याशी और घोषित। बहुजन समाज पार्टी ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट में 7 प्रत्याशियों का नाम शामिल है। 7 और प्रत्याशी। बसपा भी पूरे दमखम के साथ राजस्थान के मैदान में ताल ठोक रही है। हालांकि पिछले चुनावी इतिहास किसी से छुपा नहीं है, लेकिन राजस्थान में बसपा फिर से और ये नाम आ गए हैं सामने। नागौर से गजेंद्र सिंह राठौर, सीकर से मरचंद चौधरी, चूरू से दईराम, बीकानेर से खेताराम, दौसा से सोनू धानका और जयपुर से राजेश तंवर को प्रत्याशी घोषित किया है। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, 7 नाम बसपा के। बिल्कुल, बसपा लगातार राजस्थान में ताल ठोक रही है क्योंकि इससे पहले बसपा ने विधानसभा चुनाव में भी प्रत्याशी उतारे थे और वहां 2 सीट पर जीत भी दर्ज की थी, लेकिन अब बसपा की ओर से लोकसभा में भी यहां पर चुनाव थे। हालांकि जो इतिहास है वो कह रहा है कि अभी तक लोकसभा में बसपा का एक भी कैंडिडेट नहीं जीता, लेकिन फिर भी बसपा की ओर से कैंडिडेट लगातार उतारे जा रहे हैं और टक्कर देने की कोशिश की बात कह रहे हैं। अगर देखा जाए तो राजस्थान में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में होता है, लेकिन बसपा की आज 7 सीटों पर यहाँ पर प्रत्याशी उतारे गए हैं। नागौर से गजेंद्र सिंह राठौर को उन्होंने टिकट दिया। धौलपुर करौली जो रिजर्व सीट है उस पर विक्रम सिंह को टिकट दिया है। सीकर अमरचंद चौधरी को दिया है। चूरू दईराम को दिया है। वहां पर बीजेपी और कांग्रेस से पहले ही प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। बीकानेर वहां भी कांग्रेस बीजेपी के पहले से प्रत्याशी और खेताराम बसपा से उन्हें चुनौती देने की बात करेंगे। दौसा से सोनू धानका है और जयपुर शहर से राजेश तंवर ये कैंडिडेट घोषित किए गए हैं। क्योंकि लगातार अब तक अगर बात की जाए तो 10 से ज्यादा प्रत्याशी बसपा की ओर से यहाँ पर घोषित किए जा चुके हैं और अब क्योंकि अभी 10 दूसरे चरण में भी नामांकन दाखिल किए जाएंगे तो उस दौरान बसपा की जो कुछ सेठ सीटें हैं वहां भी प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे। जी, कुछ और प्रत्याशी घोषित किए जाएंगे, यानी ये साफ हो गया विष्णु कि बसपा अकेले चुनाव लड़ने जा रही है 25 के 25 सीटों पर। कोई गठबंधन नहीं, किसी तरह का कोई दोस्ताना नहीं। इन नामों को लेकर राजनीतिक समीकरण अगर समझने की कोशिश करें विष्णु, क्या कहते हैं, कास्ट फैक्टर की बात ले लीजिए, सोशल इंजीनियरिंग की बात ले लीजिए अगर। बिल्कुल सुमित, क्योंकि ये तो तय है कि बसपा राजस्थान में किसी के साथ गठबंधन नहीं कर रही है, क्योंकि भले ही हिंदी गठबंधन में वो शामिल होने की बात थी वो थी और लेकिन यहाँ किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं है। अपने दम पर भी बसपा है वो चुनाव लड़ेगी और प्रत्याशी भी अपने घोषित करते जा रही है। अगर बात की जाए इनमें तो गजेंद्र सिंह राठौर नागौर से है, हालांकि ज्यादा इस तरह से राजनीति में जाना पहचाना चेहरा नहीं है, लेकिन बसपा से जुड़े हुए हैं, दलित इस काम करते आए हैं पार्टी के लिए तो अब उन्हें यहाँ पर टिकट दिया गया है। धौलपुर करौली है वो विक्रम सिंह है, उनको टिकट दिया गया है। तो ये जो बीजेपी के प्रत्याशी घोषित हुए हैं वो वहां के जो जातीय समीकरण है उसको ध्यान में रखते हुए ही तय किए गए और उसी के आधार पर जो बसपा है वो चुनाव लड़ती आई है। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी लगातार पार्टी जो क्षेत्रीय समीकरण है वहां उसके आधार पर प्रत्याशी उतारते हैं, उन्हीं के आधार पर जीती है। 2 बार 6-6 प्रत्याशी जीते थे, इस बार 2 जीते हैं। तो कहीं ना कहीं पार्टी का जो है वो अपना पैर पसारने की कोशिश यहाँ कर रही है। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर ली हो, लेकिन यहाँ लोकसभा चुनाव में अभी मुश्किल दिखाई देती है हालात। जी ठीक है विष्णु।